दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, और ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास काफ़ी सारे हैं, लगभग 200-250 कॉन्टैक्ट नंबर के आसपास हैं। ये लगभग 220 कॉन्टैक्ट नंबर हैं। मुझे इनको एक ही पेज पर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और जब मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ तो यहाँ पर टोटल जो पेजेस दिखाता है मुझे, वो 8 पेजेस में मुझे ये डाटा दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये टोटल 8 पेजेस में मेरे पास डेटा है, तो इससे मेरे पेजेस वेस्ट बहुत होंगे। तो इसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे, वो भी एक पेज पर, चलिए वो सीखते हैं। इसके लिए हम आज यूज़ करने वाले हैं एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में हमें करना क्या है, इन सारे नंबर्स को मैंने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है। इसके बाद एम एस वर्ड ओपन करेंगे, और एम एस वर्ड में हम जाएंगे पेज लेआउट फंक्शन। पेज लेआउट फंक्शन पर जाने के बाद जो मार्जिन आपका दिया गया है, सबसे पहले हम मार्जिन को कम करते हैं। उसके लिए हम नैरो मार्जिन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम कॉलम पर, और कॉलम पर जाना है आपको मोर कॉलम। मोर कॉलम पर जाने के बाद जितने कॉलम्स आपको बनाने हैं, 4-5 यहाँ पर, वो कॉलम्स हम यहाँ बना देते हैं। 5 कॉलम मैंने बना दिए हैं। 5 कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरी विड्थ और स्पेसिंग मुझे मिल गया है। स्पेसिंग आप चाहें तो, अगर ज़्यादा शो कर रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं स्पेसिंग। यहाँ मिनिमम 0.5 या 0.4 रख सकते हैं। अगर स्पेसिंग कम करेंगे तो आपको विड्थ ज़्यादा मिलेगा कॉलम का। इसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ देखेंगे आपका सारा जो है वो 5 कॉलम्स में पेज आपका आ गया है। और यहाँ आपको करना है पेस्ट, कंट्रोल वी करने के बाद देखेंगे सारा का सारा डेटा जो है वो आपका यहाँ पर अरेंज हो चुका है। अब जो बॉर्डर नहीं आ रहा, बॉर्डर लाने के लिए आपको करना क्या, इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे बॉर्डर का ऑप्शन मिल रहा है। अगर यहाँ से बॉर्डर नहीं करेंगे आप, आपको जाना है होम टैब पर, और होम टैब पर आपका बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको एक बार नो बॉर्डर करिए, और उसके बाद आपको करना है ऑल बॉर्डर। जैसे ही आप ऑल बॉर्डर करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर आपको मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से सबका, और इसके बाद आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तरीका था हमारा सारे डेटा को एक पेज पर अरेंज करने का। और अगर मान लीजिए एक्सेल में अगर हम काम कर रहे हैं, और एक्सेल में डेटा जो है हमारा कुछ इस तरीके का दिया गया है, जहाँ पर जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जब मैं प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ तो मुझे एक पेज पर ये सारा का सारा जो डेटा है वो अरेंज होके नहीं दिखाई देता। तो इसको भी सेटअप करने के हमारे पास दो तरीके। पहला क्या करते हैं, हम सबसे पहले सेट करेंगे, हम पेज लेआउट पर जाके अपना पेज का हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देते हैं, और जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन आप चाहें तो उसको नैरो सेटअप कर सकते हैं। तो मार्जिन नैरो सेटअप करने के बाद हम एक बार प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद हो सकता है यहाँ पर डेटा कुछ ज़्यादा दिखाई दिया है, पर अभी भी मेरा 4 पेजेस में आ रहा है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ जाना है मुझे पेज सेटअप ऑप्शन पर। पेज सेटअप ऑप्शन पर इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे फिट टू ऑप्शन में जाना है आपको स्केलिंग के अंदर, और यहाँ 1 पेज और टॉल बाय 1 पेज ये रख के आपको करना है ओके। तो यहाँ जैसे ही आप देखेंगे तो सारा का सारा डेटा देख रहे हैं आप, कि सारे के सारे जो कॉलम्स थे वो आपके एक ही पेज पर सेटअप हो चुके हैं, जिससे आपका टोटल पेजेस जो वेस्ट होने वाले थे वो बच जाएंगे, और सारे के सारे कॉलम्स और प्रॉपर तरीके से रोज आपको एक ही पेज पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और ट्रिकी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू।